एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ मैं फिर से। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर्ट नार्सिसिस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सो ओवर्ट नार्सिसिस्ट क्या होता है, अगर हम ब्रीफली देखें तो एक तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, दो नार्सिसिस्ट होते हैं अगर हम देखें तो। और ओवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत आसान है और वो आराम आप उनको पहचान सकते हैं। सो ओवर्ट नार्सिसिस्ट माने कि कौन से नार्सिसिस्ट हुए, ये वो नार्सिसिस्ट हैं जो कि बहुत ही खुला आपको एकदम दिखेंगे और काफ़ी पॉम्पन शो उनका रहेगा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होंगे, लोगों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, डोमिनेट करेंगे, हल्ला खूब करेंगे, आवाज़ उनकी खूब तेज़ रहती है, किसी के सुनते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर बहुत ही क्लियर दिखती हैं ओवर्ट। आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ इंसान बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत एंग्री पर्सनैलिटी है। तो ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट जो है आपको आराम से दिखेंगे और आप उनको पहचान सकते हैं। प्रॉब्लम आती है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ, और जिस कोवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर मैं टॉपिक अगली वीडियो पे लेकर के आऊँगी। आज हम बात कर रहे हैं ओवर्ट नार्सिसिस्ट को, क्योंकि कई बार हम लोग इतने ज़्यादा आदि हो जाते हैं कुछ लोग एंग्री पर्सनैलिटी के साथ कि हमको ओवर्ट नार्सिसिस्ट पहचानने में भी परेशानी आती है और हम उनके भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो पहले तो ये पहचानें जिनको पहचानना आसान है, जिसे है ओवर्ट नार्सिसिस्ट। तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट को, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ओवर्ट इसी ओ को अगर मैं करूँ, अगर मैं डिफ़ाइन करूँ कि कैसे वो हो सकते हैं, तो बड़ी बड़ी उनकी आँखें होती हैं, जैसे घर गुस्से में हमेशा रहते हैं, नाक बड़ी लंबी होती है उनकी, चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है उनके, और काफ़ी अगर देखें तो एग्रेसिव बहुत होते हैं, तो मुंह उनका अक्सर खुला होता है, चिल्ला रहे होते हैं। और ओवर्ट जो है काफ़ी आपके, अगर आप देखेंगे तो थोड़े से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ ट्रेट उनके अंदर डेविलिश टाइप के हैं, तो लाल सा मुंह रहेगा और काफ़ी आपको ओवर्ट आपको अलग से ही दिखेंगे ओवर्ट नार्सिसिस्ट, आप पहचान पाएंगे उनको कि हाँ ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट हैं। पहली बात तो काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, काफ़ी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपनी सारी बातें आपके ऊपर थोपेंगे, मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं ये लोग। ये आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे आपको उनका कहना मानना होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं तो वो इसका मतलब कि आपके अंदर कोई कमी है। वो आपको बिल्कुल एहसास कराएंगे इस बात का कि आपके अंदर कोई कमी है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, और अपने आप उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई तरह का वह कहना नहीं मानते, सबके ऊपर उनको डोमिनेट करने की आदत होती है, अपनी बात को बहुत हल्ले के साथ रखते हैं, बहुत एंग्री पर्सनालिटीज़ होते हैं, काफ़ी हल्ला करके अपनी बातों को वो रखते हैं, आराम से बात करना उनको नहीं आता, ज़्यादातर वो एंगर के मूड में ही रहते हैं। और अगर आपने उनका कहना नहीं माना तो बहुत तरह के टैंटरम शो करेंगे, बहुत तरह के हरकतें ऐसी करेंगे कि आपको उनका कहना मानना ही पड़े। सो ये सब हमारे जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, इनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं ये सब। और आप इनके साथ रहेंगे आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा पहले दिन से ही, मतलब शुरू के फेज़ में तो लव बॉम्बिंग के फेज़ में नहीं पहचान पाते हैं लोग उनको, बट आके कुछ समय बाद उनको, लोगों को बहुत ही जल्दी समय में ऐसा महसूस हो जाता है कि ये, इनके साथ रहना एक आसान चीज़ नहीं है और ये काफ़ी मुश्किल है, और आपकी लाइफ एक्चुअली इनके साथ कुछ सिर्फ एडजस्टमेंट रह जाती है और कुछ बचती नहीं है, आप क्योंकि इनके हिसाब से आपको सारा कहना मानना पड़ता है। तो ये इनका ओवर्ट नार्सिसिस्ट का जो है वो एक फुल ट्रेट है ये उसका। सो ओवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ, और अगली बार मैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर वीडियो लेके रह आऊँगी, और उनको पहचानना बहुत टफ होता है, उनके ट्रेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मेरे बाकी के वीडियोस भी पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लोगों के साथ जितना आप शेयर करेंगे, जितना हम इस चीज़ पे अवेयरनेस करेंगे, उतना ज़्यादा लोग बच पाएंगे इस चीज़ से, लोग पहचान पाएंगे, एटलीस्ट अपने को ब्लेम नहीं करेंगे, जो निकलना चाहेंगे वो निकल पाएंगे, जो रुकेंगे वो एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस उनका लूज़ नहीं होगा, वो अपने आप को नहीं दोषी समझेंगे। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है,
और ये अवेयरनेस से ही होगा कि हाँ इस तरह के लोग हैं लाइफ दुनिया में, इस तरह की पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया में। तो ये आपका कोवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर एक ये छोटा सा मैंने टॉपिक किया था, तो अगली बार मैं आप लोगों के लिए कोवर्ट नार्सिसिस्ट और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।